स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बनारस में। मैं से मौजूद गंगा उस पर डोमरी गांव में। और दोस्तों आप हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, अगर आप रामनगर से आ रहे हैं चाहे पड़ाव से आ रहे हैं, तो आप इन्हीं रास्तों से होते हुए आप माँ गंगा के किनारे पर आएंगे। तो चलिए दोस्तों आपको चलते हैं, पूरा नज़ारा दिखाते हैं इसमें यहाँ पर बाढ़ का स्थिति क्या है और माँ गंगा का पानी कहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों आपको बैक कैमरे से वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सामने माँ गंगा का रौद्र रूप और माँ गंगा देखिए कितनी तेज़ी में यहाँ पर जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और मैं इस समय यहाँ खड़ा हूँ, कभी यहाँ पर आगे पूरा नीचे तक जो कि पूरा बालू का रेत हुआ करता था, वो जो कि इसमें पूरा जल में डूब चुका है आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको दिखा दूँ सामने, तो आप देख सकते हैं सामने आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और उसके जस्ट बगल में आपका जो कि मणिकंका घाट है। और दोस्तों आपको इधर दिखा दूँ तो आप इधर देख सकते हैं आपका सामने जो कि सिंधिया घाट है। और दोस्तों बता दूं कि इसी तरह देखिए आपका तमाम घाटे इस पार हैं जो कि हम यहाँ से आपको जूम करके दिखा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं सामने आप देख सकते हैं कि इस समय सामने जो कि पूरे घाटों का संपर्क टूट चुका है। और दोस्तों आपको इधर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पानी देखिए दोस्तों धीरे धीरे जो कि यहाँ से चढ़ना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे ये पानी आपका जो कि ऊपर चलाएगा। और ये सब दोस्तों हर साल जो कि पूरा डूब जाता है और इसके डूबने के बाद जो कि पानी आपको पूरा जो कि आगे गांव में चला जाता है और यहाँ पर जो कि बाढ़ का बहुत भयानक स्थिति हो जाता है। अभी तो यहाँ पर अभी शुरुआत हुआ है बाढ़ का, लेकिन दोस्तों जब बाढ़ पूरा आ जाता है तो ये सब आप सामने जो देख रहे हैं ना, ये सब पूरा जलमय हो जाता है, पूरा डूब जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको आगे भी ले चलता हूँ, आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। सामने आपका राजघाट मालवीय पुल है। और दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं इसमें बाढ़ का जो कि नज़ारा ले रहे हैं। और सामने आपको दिखा दूँ तो सामने आपका रविदास मंदिर है और उस पर आपका जो कि राजघाट के आपका खिड़किया घाट है। तो चलिए दोस्तों अब हम इधर बढ़ेंगे आगे की तरफ और आगे आपको चलेंगे और आपको आगे का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा कि आगे बाढ़ का जो कि स्थिति क्या है। और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं बीच में जो कि आप बालू का रेता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो कि इसमें ये बालू रेता अभी डूबा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ऊँचा था, लेकिन दोस्तों ये भी धीरे धीरे डूब जाएगा। जहाँ जहाँ दोस्तों बालू ऊंचा है वहाँ पर अभी डूबा नहीं है, जैसे जैसे माँ गंगा जल स्तर बढ़ेगा तैसे तैसे ये पूरा बालू जो कि आपका डूब जाएगा आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए पानी का क्या बहाव इस समय यहाँ पर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी देखिए कितने तेज़ बह रहा है यहाँ पर। और इधर आपको दिखा दो तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि आपका मिट्टी भी कटने लगा है पानी के बहाव से, यहाँ का देखिए मिट्टी जो कि कटान हो गया है और धीरे धीरे मिट्टियाँ जो कि कट के पानी में बह जा रही हैं, जिससे कि यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा भी बन जाता है किनारों पर। देखिए पानी कितनी तेज़ बह रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप ये जो मिट्टी देख रहे हैं और पानी देख रहे हैं, मिट्टी और पानी जब मिट्टी से आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही यहाँ पर जो कि आपका दो हाथी का डुबान है, ये कम डुबान नहीं है, बहुत ज़्यादा डुबान है। इसीलिए आप इधर जब भी आए तो समर के आए बाढ़ के समय, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है कि यहाँ पर पानी बहुत कम होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ आप मिट्टी से जैसे ही पानी में आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर दो हाथी का डुबान है कम से कम। इधर जो कि मिट्टी का कटान शुरू हो गया है, माँ गंगा का पानी यहाँ तक आ चुका है और धीरे धीरे देख सकते हैं कि पूरा मिट्टी यहाँ पर कटने लगा है। अंदर जो कि अंदर है अंदर जो कि माँ गंगा का पानी अंदर आ गया है और इसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टियों की जो कि कटाई शुरू हो गई है और ये मिट्टी धीरे धीरे दब रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर कटान हो जा रहा है। ये मिट्टी जो कि गिर के यहाँ पर देखिए आप नाले टाइप में बन चुका है और इसमें पानी है माँ गंगा का पानी इसमें आ चुका है आप देख सकते हैं।
और दोस्तों आपको इधर दिखा दूँ तो आप इधर देख सकते हैं पूरे तरीके से ये जो कि नाले का रूप ले चुका है, और सामने माँ गंगा है, और यही पानी जो कि आपका अंधेरे अंदर जो कि बालू में सोखते हुए इधर आ गया है, जिससे कि मिट्टी का कटान हो गया है। और दोस्तों आपको इधर दिखाएं तो आप इधर देख सकते हैं अभी यहाँ पर ताज़ा ताज़ा मिट्टी का कटान हुआ है। देखिए अभी ये मिट्टी यहाँ से अभी जो कि गिरा हुआ है, और दोस्तों चलिए अब हम चलते तेज से गंगा के किनारे, आप चलिए आपको वहाँ का नज़ारा दिखा दें। और दोस्तों आप जो अनाउंसमेंट सुन रहे हैं वो आपका दशाश्वमेध घाट पे जो कि अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हमारे ठीक सामने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गंगा द्वार है। देखिए दोस्तों सामने आपका गंगा द्वार दिख रहा है। और दोस्तों आपको यहाँ से दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा गंगा का लेवल दम गंगा द्वार तक पहुँच चुका है, और जो कि गंगा द्वार के नीचे जो पूरा घाट का निर्माण किया गया था वो पूरा जो कि निर्माण कार्य डूब गया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा हरियाली है, और इधर आपका माँ गंगा है, और आपको ऊपर दिखाओ तो आप ऊपर देख सकते हैं आपका ऊपर पूरा जो कि बदरी बना हुआ है। आज जो कि मौसम बहुत खुशनुमा है, आज हो सकता है कि आज यहाँ पर बारिश हो जाए। आपको यहाँ से दिखा दूँ तो आप देख सकते सामने आपका जो कि दो ऊँट बैठा हुआ है। चलिए आपको चलते हैं वहाँ पास से आपको वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ऊँट के पंजे का निशान है, देखिए यहाँ पर आपका जो कि ऊँट का पूरा पंजे का निशान है। आप देख सकते हैं मैं इसमें ऊँट के पास पहुँच गया हूँ, और ऊँट इसमें यहाँ पर बैठा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि इसमें जो कि गंगा जल स्तर बढ़ चुका है, और इसमें ऊँट का जो कि सवारी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक ऊँट दिखा है, और आपको दिखा दूँ कि देखिए ये ऊँट यहाँ पर इसमें पेड़ों से पत्तों को खा रहा है, वो अपना भोजन कर रहा है। और दोस्तों इन ऊँटों का प्रयोग जो कि उस पार गंगा बालू में किया जाता है, जो बाहर से सैलानी आते हैं घूमने के लिए वो इन पर बैठ के जो कि सफ़र करते हैं गंगा उस पार का। और इस समय जो कि आप देख सकते हैं कि पूरा पानी से डूब चुका है, इसीलिए इनका प्रयोग नहीं है। तो इन्हें जो कि इस समय यहाँ पर ला के छोड़ा गया है घास चरने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आगे, और आगे का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो रास्ता बना हुआ कच्चा रास्ता है, ये पूरे तरीके से देखिए जगह जगह पर गड्ढा है, दबा हुआ है। इस रास्ते पर चल रहा हूँ, ये रास्ता है दोस्तों आपको बता दूँ कि हर साल जो कि बाढ़ में पूरा डूब जाता है, और दोस्तों इस साल भी डूबेगा क्योंकि गंगा का जल स्तर इतना तेज बढ़ रहा है जिससे लग रहा है कि ये सब पूरा डूब जाएगा एक दो तीन घंटे में। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी आपका जो कि मिट्टी दब गया है जिससे यहाँ पर गड्ढा पूरा बन गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका जो कि मिट्टी का कटान हो चुका है। देखिए माँ गंगा का जल अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर देखिए दोनों साइड से जो कि मिट्टियाँ जो कि भसक चुकी हैं। सत्य इसमें माँ गंगा में देखिए तरखे चल रहे हैं, और पानी का बहाव भी बहुत तेज है। और दोस्तों आपको इधर दिखा दूँ तो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए माँ गंगा का जो कि पानी अंदर जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे मिट्टियों की जो कि कटाई हो जा रही है। यह पानी धीरे धीरे जो कि अंदर आपका प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण जो कि जगह जगह पर जो कि बालू है वो धस के गिर जा रहा है, और यहाँ पर देखिए आपका पूरा ये गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है। आपको इसी तरह जो कि तमाम किनारों पे आपको इस पार जो कि पूरा इसी तरह कटान मिलेगा। आप देख सकते हैं माँ गंगा का पानी देखिए अंदर जा रहा है, और ये आपका अंदर जो कि पानी जाके पूरा अंदर सोख रहा है, जिसके कारण से मिट्टी किनारों से जो कि कट के गिरने लग रही है। और ये मिट्टी कटने के बाद दोस्तों आपको बता दूं कि पानी के साथ ये बह के जो कि चला जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर जब बाढ़ का पानी जाता है, बाढ़ ख़त्म होता है, तो यहाँ पर जो कि काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जा दीजिए। हर हर महादेव।